जो किसान हैं वो बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, उनकी जो मांग है उसको लेकर के आप लोगों ने मीटिंग भी किया था, किस तरीके से आगे अब आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखे मैं अभी भी आशान्वित हूँ, मैं मानता हूँ कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है। ये बात उन्हें भी समझना चाहिए कि जो बात वो कह रहे हैं सरकार की पद्धति होती है, सरकार के मापदंड होते हैं कि जो ऐसे मामले जो राज्यों से सन्निहित है उनके साथ भी बातचीत करना औपचारिक तौर से, और उसके बाद संगठनों के साथ भी बात करना, और साथ ही साथ अनुकूल प्रतिकूल ऐसे विषयों पर भी चर्चा करना जिससे कि किसानों के हित और देश के हित में हो। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को यदि हम समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका समाधान को अच्छे ढंग से निकाल पाएगा। एमएसपी की गारंटी की मांग और इसके अलावा कर्ज माफी को लेकर के किसानों की तरफ से लगातार एमएसपी की बात यदि आप देखें तो आप इसका अध्ययन करिए कि एमएसपी में 2013 और 14 के तुलना में 2023-24 में आज एमएसपी की दर क्या है। हम भी चाहते हैं कि किसानों के किसी भी ऐसे उत्पाद जिसमें एमएसपी दर तय होता है वो उसके माध्यम से उससे कम में ना बिके, लेकिन एमएसपी के मामले में ये बात कहते हुए कि हमें अभी ही सारी चीजें हो जाना चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी समर्थन कर रही हैं इस आंदोलन को लेकर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो समर्थन कर रही हैं। देखे मैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि किसानों के मामले में उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और खास करके यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सामने ही स्वामीनाथन कमेटी की बात आई थी, कुछ मामले में उन्होंने ही उस समय क्यों खारिज कर दिया। हमने तो आंशिक रूप से कई मामले में पॉजिटिव तरीके से प्रारंभ किया है जो किसान भी मानते हैं। अभी किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए कई जगहों पर शंभू बॉर्डर, इसको कैसे रोका जाएगा क्योंकि वो तो दिल्ली आना चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था है, अपने अपने राज्य में वो इस बात को कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे उसके दृष्टि से कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है ये मेरे जानकारी में नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि किसानों को संवेदनशीलता के साथ विचार करने के लिए बातचीत के माध्यम से हम समाधान ढूंढें। एक अंतिम सवाल, क्या आगे भी आप लोगों की ऐसे बैठक होगी समाधान ढूंढने के लिए? हम तो हमारा दरवाजा खुला हुआ है, हम खुद ही चंडीगढ़ गए थे, दो बार हमारी बैठक चली। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ जितेंद्र सिंह।